जानता है टेट उससे प्यार करती है तो तू उसे इतना दर्द क्यों दे रहा है? उसे अपनाता क्यों नहीं है? ओ बेचारी है ही बेवकूफ, और तू उसे और भी बेवकूफ बना रही है। ओ तेरे प्यार के लिए तड़प रही है और तू वही तो मैं कर नहीं सकता। हाँ जंकू तू क्या कह रहा है? तू उसे क्यों अपना नहीं सकता है? जंकू क्या हुआ है बोल। यू नो तू ये मत पूछ, सही वक्त आने पर मैं तुझे बता दूंगा। जंकू तू हमें विश्वास नहीं करता है? नहीं यार ऐसा बात नहीं है, मैं मेरे सारे दोस्त पे ट्रस्ट करता हूँ। मैं तुम सबको कोई परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। मैंने जो गलती की है उसे तकलीफ देकर अब वक्त है उस गलती को सुधारने का। अब से उसके होठों में हमेशा मुस्कुराहट रहेगा, उसके आंखों से एक आंसू तक गिरने नहीं दूंगा। मेरी वजह से और जितना तकलीफें सही है उन सारे तकलीफों को मैं खुशी में बदल दूंगा। हमारे बीच जो दीवार बन के खड़ा है उसे मैं तोड़ कर ही रहूंगा। एक कहकर जंगुक चला जाता है। एक क्या कहकर गया, मेरे दिमाग में नहीं घुसा। हे भगवान मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ, कोई मुझे समझाओ यार, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? ओ ही जाने मैं पागल हो जाऊंगा। बेबी तुम कहाँ हो? ए जंकू ते योनो जेनी कहाँ गई, अभी तक नहीं आए? आपकी इतनी बड़ी हिम्मत, आप उसे मारने जा रहे थे? युंगी आप नहीं जानते हैं जिमिन ने मुझे क्या कहा। मुझे जानना भी नहीं है उसने आपको क्या कहा। बाय द वे आप मेरे केबिन में क्या कर रहे हैं? आपके केबिन का दरवाजा खुला देखा तो मैं देखने आ गई थी आप है कि नहीं। मेरे केबिन का दरवाजा खुला रहे या बंद रहे आप उसे हर बार देखने क्यों आ जाते हैं? और बिना इजाजत के आप मेरे केबिन में क्यों घुसते हैं? सर मैं आती हूँ। रुको जिमिन तुम कहाँ जा रहे हो? क्लास में, मुझे क्लास अटेंड करना है। तुमने सारे फाइल ढूंढ ली? हाँ वो सब आपके टेबल पे रख दिया है। योंगी आप जिमिन को क्यों कहते हो ये सब करने के लिए? इस मूल मैं किसको क्या करने के लिए कहूँ क्या ना करने के लिए कहूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगी। आप होते कौन हो ये सवाल पूछने वाले? मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो दूसरों के लाइफ में एंटर करने की कोशिश करते हैं। सो आज के बाद से आप मेरे केबिन में या मेरे लाइफ में घुसने की कोशिश मत करना। अगर आपको मुझसे कोई काम हो तो परमिशन लेके आना। लेट्स होप यू अंडरस्टैंड सो यू कैन गो। ये सुनकर मुन्ना से चली जाती है। मुझे भी जाना चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो मेरी जान? सुगा तुम्हें क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे मेरी क्लास है। हाँ जाओगी ना, पहले मुझे स्वीट तो खाने दो। तुम कब से स्वीट खाने लगे? जब से तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है तब से। एक तुम्हारी स्वीट हो। सुगा नहीं। लो उस खरगोश का फोन आ गया है। हाँ बोलो तुम कहाँ हो? क्यों घर जाना है तो चले जाओ, कौन रुका है तुम्हें? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें और कुछ कहना है? जंकू को बहुत गुस्सा आता है। तुम कहाँ हो जल्दी से आओ, मुझे घर जाना है। तुम चले जाओ मैं खुद आ जाऊंगी। ते मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ। एक कहकर जंकू फोन काट देते हैं। फोन काट दी? ये लड़का हमेशा मुझ पे गुस्सा दिखाते है। जाके बैठो। ते कार में जाके बैठ जाती है। इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? मैं गुस्सा दिखा रही हूँ? नहीं नहीं ये क्या कह रहे हैं आप? आप जैसे महान व्यक्ति के सामने मैं कैसे गुस्सा दिखा सकती हूँ? मेरे गुस्से से आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना? लव मुझे थोड़ी सी वक्त दो, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। आज तक मैंने तुम्हें जितने भी तकलीफें दी है जितने भी दर्द दी है वो सब खुशी में बदल दूंगा। पहले मुझे उसे ढूंढ कर निकलना पड़ेगा जो तुम्हारे जिंदगी के पीछे पड़ा है, जिसके वजह से हम दोनों एक होकर भी एक दूसरे से अलग है। वो हमारे प्यार के बीच दीवार बन कर खड़ा है, उस दीवार को मुझे तोड़ना पड़ेगा। जिमिन क्या कर रही हो? जिमिन डर जाती है।
क्या सुगा, कौन ऐसा करता है? मैंने किया क्या? अचानक ऐसे पीछे से आकर कौन बात करता है? मैं डर गई थी। मेरा बेबी डर गए थे? अब मेरे बेबी की डर को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जाओ जाके अपना काम करो। क्या जिमीन, कभी तो मेरे बारे में सोचो। नहीं सोच सकती तुम्हारे बारे में, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। बेबी, मैं कब तक ऐसे शाकाहारी बन के रहूंगा? तू कब से शाकाहारी बन गया? मम्मा मम्मा आ? सॉरी बेटा, बिना नॉक के आ गई। कोई बात नहीं मम्मा, इस रूम में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। मतलब? कुछ नहीं मम्मा, आप उसके बातों को छोड़ो, आप अपने बात बोलो। मम्मा आपको क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बेटा, तुम पढ़ो। मम्मा आप सेट क्यों हो, पापा ने कुछ कहा है क्या? नहीं बेटा, पापा ने कुछ नहीं कहा है। तुम्हारे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम पढ़ाई करो बेटा। रुकिए मम्मा, आप यहाँ बैठो और बोलो क्या हुआ है। ते मैं पेश होकर आता हूँ, एक कहकर जंगल चला जाता है। ते क्या हुआ, आज तुम्हारी मन बात चल रहा है? क्या हुआ बोलोगे भी तुम? ते क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पापा की याद आ रही है? पता नहीं। इसका मतलब तुम्हारे रोने का वजह मैं हूँ। अब मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, तुम्हें तो पता ही नहीं होता है तुम क्या करते हो। मुझे नींद आ रही है, खाना खा के सो। नहीं मुझे नहीं खाना है। ते उठो, उठकर खाना खा लो। नहीं बोला ना, मुझे नहीं खाना है। जंगुक तेरे को खाना खिला देते हैं। लो मुँह खोलो। अब सो जाओ। तुम सोओगे नहीं? नहीं मुझे कुछ काम है, मुझे तुम्हें हाथ करके सोना है। जंगुक कुछ नहीं कहते हैं, जंगुक भी सो जाते हैं। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जान लूंगा। ते जिमिन बेटा, ते और जंगुक कैसा है? उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ नॉर्मल हुई कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुई है मम्मा, पर जंगुक पहले से ज्यादा केयरिंग हो गया है। ते को बहुत केयर करते हैं, अपने नजरों से कभी दूरी नहीं जान लेता है। उन दोनों को एक साथ देखने की बहुत मन कर रहा है। आज जंगुक घर नहीं आए थे? हाँ आए थे, रोज की तरह आज मुझसे मिलकर चले गए। लेकिन उसे आज देखकर लगा वो बहुत दर्द में है, वो अंदर से टूट रहा है। नहीं मम्मा, जंगुक कभी टूट नहीं सकता, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं एक माँ हूँ, बच्चे को देखकर ही बोल सकती हूँ वो कैसा है। मैं उससे कुछ पूछूं, उसके पहले ही वो चला गया। मुझे उन दोनों के लिए बहुत फिक्र हो रही है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मा, जंगुक को तोड़ना इतना आसान नहीं है। उसे तोड़ने के लिए उसकी कमजोरी पर वार करना पड़ेगा, और उसके कमजोरी पे वार करना इतना आसान नहीं है। मम्मा आप ये सब बातें सोचना बंद कीजिए। मम्मा आप बेफिक्र होकर सो जाइए, हमारे भाई के साथ हम हैं। 12 बज चुके हैं, हबी अभी तक आया नहीं, तभी जीव रूम में आते हैं। जानू तुम अभी तक सोए नहीं, आप इतना लेट क्यों किए? जानू बहुत काम है ऑफिस में, पहले भी तो आपको बहुत काम होते थे, तब तो आप कभी इतना लेट करके घर नहीं आते थे, अब तो सारे काम घर में आकर ही करते थे। तो अब क्या हुआ? प्लीज जिसो सबल करना बंद करो। आपने मुझे जिसो कहा? शादी के बाद आज पहली बार आपने मुझे जिसो कहा। सॉरी मैं आपसे और सबल नहीं करूंगी। सॉरी जान, मैं एक डील की वजह से बहुत परेशान हूँ। ये डील मुझे मिल जाएगा तो मेरा कंपनी कोरिया में फर्स्ट रैंक पर आ जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। मैं समझ गया, आपने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा के आया हूँ। ठीक है तो आप फ्रेश होकर सो जाइए। सो रहे हैं? तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं होता है, शायद तुम ये भी भूल गए हो कि वो दोनों। हाँ ठीक है मुझे पता है, उन दोनों को सोने दो और तुम चलो। सोने दो, वो दोनों कॉलेज नहीं जाएगा? तुम फिकर मत करो, तुमसे ज्यादा समझदार जंगुक है, वो सही टाइम पे कॉलेज पहुँच जाएगा। वो तुम्हारे तरह नहीं है, हर रोज मुझे तुम्हें उठाना पड़ता है।
तुम दोनों इतने सुबह सुबह यह क्या कर रहे हो? भाई सुबह का 8 बज चुका है, तुझे कॉलेज नहीं जाना है? हाँ जाऊंगा, जैंकुक भूल गई थी कि ते उसके साथ सोया है। कुकी हिलो मत, मुझे सोने दो। भाई शर्माने की जरूरत नहीं है। कौन शर्मा रहा है? शर्म तो तुझे आना चाहिए, सुबह सुबह किसी के कमरे में घुस गई है। ये मैंने पहले नहीं आया था, तेरे भाभी आए थे। तुम इतना बात क्यों कर रहे हो? मुझे सोने दो ना। हाँ आप दोनों? आप दोनों यहाँ पर? आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और घर में कैसा है? मेरी प्यारी सी बहन तू शायद भूल गई है, ये मेरी भी घर है। इस घर का डुप्लीकेट चाबी मेरे पास भी है। हाँ मैं भूल गई थी, अब उठ जा मैं खाना बनाती हूँ, कॉलेज भी तो जाना है। ते उठकर फ्रेश होने चली जाती है। तू यह क्या कर रहा है? मम्मा की वजह से आना पड़ा, वो बहुत फिकर कर रही थी तुम दोनों की। दी खाना बहुत अच्छा बना है, कितने दिनों के बाद आपके हाथ का खाना खा रही हूँ। मैं मम्मा के हाथ का खाना बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ ठीक है चल कॉलेज जाना है। हाँ चलिए। भाई तू ठीक तो है ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू हमसे कुछ छुपा रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है भैया, तू बहुत बड़ा हो गया है भाई, इसीलिए अपने प्रॉब्लम को छुपाना सीख गया है। भैया मैं अगर आप सबको सच बताऊंगा तो आप सब परेशान हो जाएंगे। मैं किसी को भी परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। तुझे बोलना नहीं है तो मत बोल, लेकिन अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, हम तेरे साथ हैं। हाँ जानता हूँ, अब चल। हाँ चल। ते जंगू तुम दोनों आज इतना लेट क्यों किया आने में? आज उठने में थोड़ी लेट हो गई है, चलो क्लास में जाते हैं। हाँ चलो। किसो बेटा क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं मम्मा, कुछ तो हुआ है, वरना जो लड़की हमेशा खुश रहती है वो लड़की आज उदास क्यों है? क्या हुआ है बेटा, भाभी ने कुछ कहा है? नहीं पापा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तुम्हें क्या मम्मी पापा की याद आ रही है? जिसे रो देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसो बेटा। मम्मा मैं देखता हूँ, जी हब्बी चला जाता है। अरे मुझे लगता है जिसो हब्बी की वजह से अपसेट है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जान आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारी उदासी मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जानू। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ये डील हो जाने के बाद मैं तुम्हें लेकर बाहर घूमने जाऊँगा। प्लीज लव अपने हॉबी को माफ कर दो। इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा आरएम। हाँ तुमने सही कहा है, हॉबी जिसो को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है, हमें उन दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर भेजना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा है। फाइनली हमारे सुबिन ने यूनजिन को प्रपोज कर दिया है। क्या कब क्या? मैं कहा थी तुम सबने मुझे क्यों नहीं बुलाया? वी थोड़ी सांस ले ले, हमने तुम दोनों को फोन किया था लेकिन तुम दोनों ने फोन नहीं उठाया, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है तो इस खुशी में सुबिन आज हमें ट्रीट देगा। क्या सुबिन नहीं दोगे? हाँ दूंगा। ये जंकुक, जंकुक तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, वो आजकल अपने ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। मैं ख्यालों की दुनिया में क्यों रहूँगा जबकि मेरे असल दुनिया मेरे साथ है। तुम्हें तो मेरी फिजा, तुम्हें हो आरज़ू। कांग्रेचुलेशन तुम दोनों को। थैंक यू सो मच।